हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता क्रिएशन। मैं हूँ ममता। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज सोया कीमा की रेसिपी। यह सोया कीमा बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करना। इससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और आप मेरी वीडियोज़ को कंटिन्यू देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वेज कीमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने ये सोया चंक्स लिए हैं। आप छोटी या बड़ी कोई सी भी सोया चंक्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी सोया चंक्स को धुल लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे गरम पानी। यहाँ पर तेज़ होना चाहिए आपका, और हम यहाँ चंक्स को भिगो कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छे से फूल जाएँ। देखिए, 10-15 मिनट बाद हम देखते हैं हमारी सोया चंक्स अच्छे से फूल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें इनका पानी निकालना है, इस तरीके से हाथ से निचोड़कर स्क्वीज करके आप सारा पानी निकाल दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से अपने हैंड से। सोया चंक्स में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पानी निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पर सारी सोया चंक्स का मैंने पानी निकाल लिया, आप देख सकते हैं इनमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे, इसमें अपने सोया चंक्स को डाल देंगे, और हमें इनको अच्छे से ग्राइंड करना है। अच्छे से नहीं, मतलब इनको दरदरा कूटना है, हमें दरदरा पीसना है इस तरीके से। देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। अब हमने एक कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में ऐड करेंगे हम सरसों का तेल। यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हो। ये देखिए, तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसमें मैं खड़े मसाले ऐड करूँगी, ये तेज पत्ता ऐड किया है, एक दालचीनी का टुकड़ा, और ये बड़ी इलायची है हमारी, और यहाँ पर ये आधा चम्मच जीरा ऐड किया है, और एक पिंच हींग है ये हमारा। इन सभी को कुछ सेकेंड के लिए पकने देंगे। ये देखिए, कुछ सेकंड बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने ये दो मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने कट कर लिया है, इनको मैंने बारीक चॉप किया है। ये देखिए, 1-2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपना ये गार्लिक और जिंजर, इनको भी मैंने ग्रेट कर लिया था। अब हम प्याज को यहाँ भूनने देंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज को भूनने देंगे। ये देखिए, प्याज यहाँ पर हमारी भून चुकी है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये दो टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज के, इनको इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। टमाटर को ऐड कर देंगे और अच्छे से चला लेंगे। अब यहाँ हमें टमाटर को 2 मिनट तक पकाना है। यहाँ मैं ढककर अपने टमाटर को पका रही हूँ, जिससे हमारे टमाटर जल्दी से पक जाएँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, प्रेस करके टमाटर अच्छे से प्रेस हो रहे हैं, तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम अपने मसालों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आधा चम्मच ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, ये 1 चम्मच है हमारा गर्म मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर है। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ हमें मसालों को अपने पकाना है। मसालों को हम टमाटर के साथ पकने देंगे अच्छे से। ये देखिए, मसालों को अपने चलाते रहें, जिससे हमारे मसाले लगे ना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले यहाँ पर पक चुके हैं। अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दही ऐड करनी है। दही आप जब ऐड करें तो ये ठंडा होना चाहिए हमारा मसाला, कुछ टाइम के लिए ठंडा होने देंगे। देखिए, यहाँ पर मसाला ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। अगर आप दही नहीं ऐड करना चाहते तो मलाई ऐड कर सकते हैं, या आप ना ही यूज़ करें, वो आपकी इच्छा है। वैसे भी अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। ये देखिए, अच्छे से चला लेंगे दही को। अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं, और अपने इन मसालों को फिर से एक बार पका लेंगे। ये देखिए, हमारे मसाले यहाँ पर अच्छे से पक चुके हैं, तेल छोड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी मटर, ये बॉयल मटर ली है मैंने, बॉयल कर लिया था इनको। आप चाहें तो फ्रोज़न मटर ले सकते हैं, तो मटर को यहाँ पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल्ड है।
अब हम यहाँ पर अपना ये सोया चंक जो हमने पीस लिए थे इनको ऐड कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी सोया को, अच्छे से मिक्स करें फ्रेंड्स यहाँ पर। और अब मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक। हमने नमक पहले यूज़ नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखें। इस समय पर हम नमक इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा सोया में अच्छे से नमक मिल जाए। ये देखिए अच्छे से अब हम यहाँ पर नमक मिक्स करने के बाद हम अपने सोया को 2 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 2 मिनट बाद हम देखते हैं, फिर हम इसको अच्छे से चला लेंगे एक बार फिर से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए आप सोच रहे होंगे कीमे में पानी, तो यहाँ पर हम सोया में बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देंगे अपने कीमा में, हमें इसको पकाना है। ये देखिए अच्छे से चलाकर हम इसको ढककर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ हम ढक देते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में आप चलाते भी रहें जिससे ये चले ना, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं तो बीच में लगना नहीं चाहिए। देखिए 4 से 5 मिनट बाद हम देखते हैं ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट पक चुका है हमारा। थोड़ा सा और इसको पकाएंगे, पानी दिख रहा है अभी, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ 1/4 चम्मच, और यहाँ पर मैं ये 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ देसी घी। आप देसी घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारा घी यूज़ करने से। अच्छे से चला लेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना बनाना है तड़का। यहाँ पर मैंने ये तड़का पैन ले लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ देसी घी। ये देखिए अब यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। फ्लेम को लो कर दीजिए क्योंकि घी एकदम आग पकड़ लेता है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें मैं अदरक के पीसेस डाल रही हूँ, मैंने इस तरीके से लंबे कट कर लिए थे। ये देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ा घी ठंडा हो चुका है, तो ये 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। तेज गरम में ना घी में ना डालें मिर्च, नहीं तो जल जाती हैं। और इसको हम ऐड कर देंगे अपने सोया में, अपने कीमे में ऐड कर देते हैं। ये देखिए इससे अच्छा कलर आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए हमारे ये वेज सोया कीमा बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, सर्विंग बाउल में निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।